वेलकम टू पार्क सबा कॉलेज अकेडमी सो दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एडवांस लेवल ठीक है तो आज से हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगा पीछे जो हमने चार लेक्चर्स पढ़े हैं वो बेसिक लेवल के थे तो आज से हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया और आज जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा हाउ टू स्टे एनोनीमियस यानी आप अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है मैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर करता चला के स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हम किसी की आईडी की एक्सेस लेंगे तो उसे पता चल जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा नो 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 हैकिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अपने आप को बचाना ठीक है और अपने आप को बचाने के लिए आपको एनोनीमियस रहना पड़ता है और एनोनीमियस रहने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है डिफरेंट ब्राउज़र होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है एंड देन आप एनोनीमियस रहते हैं ठीक है और आपकी लोकेशन कोई भी ट्रैप नहीं कर पाता फ्लक्चुएट लोकेशन होती है कभी कनाडा में कभी यूके में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी, कभी वो ठीक है जैसे हैकर्स की होती है तो आपको कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता आप बिल्कुल बंदे के पास बैठ के भी उसकी एक्सेस गेन करें तो उसे पता नहीं चलेगा कि यार किसने किया है साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान वो नहीं कर सकते ठीक है हाँ भाई हमारे जैसा एडवांस लेवल का हो तो पूरी टीम मिले तो फिर जाके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसने परफॉर्म किया है ओके डिफरेंट पूरी ग्रुप मिलके अगर ट्राई करे देन हम रीच आउट कर सकते हैं कि ये काम किसने किया ठीक है सो हैकिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है हाउ टू स्टे एनोनीमियस ओके एडवांस एथिकल हैकिंग का और ये बात मेरी हमेशा अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि जब भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है तो पहले इसके डिफरेंट ब्राउज़र हैं वो आपने ऑन करके ताकि आपकी लोकेशन को ट्रैप ना कर पा सक uh, कर सके और आप एनोनीमियस हो जाए ठीक है हाइड फ्रॉम वर्ल्ड इस दुनिया से आप गायब हो जाए ओके सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं चलते हैं एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ठीक है वो होगा मोबाइल uh, फ़ोन में नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करते हैं एंड देन हमारे लेक्चर्स डिफरेंट आएंगे जैसे एंड्रॉयड हैकिंग पे आएगा ठीक है एंड्रॉयड टू एंड्रॉड एंड्रॉयड टू पी सी एंड देन इंस्टाग्राम इन्फो गैदरिंग ठीक है और इंशाल्लाह ऐसे बढ़ते बढ़ते व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे मज़ीद पढ़ता चले जाएंगे ओके okay? सो so, अभी बढ़ते हैं ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं एक तो डिफरेंट ये कनेक्शन एर, एरर्स की वजह से और एक uh, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी सो दैट्स वाई हमारे जो लेक्चर्स हैं वो मिस हो चुके हैं ठीक है ओके okay, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने uh, टर्मिनल पे एंड देन वहाँ से स्टार्ट करते हैं ओके ओके सो टर्मिनल पे हम आ चुके हैं यहाँ पे आते साथ मैंने आपको uh, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहाँ पे बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पे आते साथ आपने जो सबसे पहला काम करना है वो है पैकेज अपडेट एंड एंड पैकेज अपग्रेड ओके एंड देन आप इसे एंटर करेंगे एंटर करेंगे तो ये पैकेजेस को अपडेट एंड अपग्रेड कर देगा ठीक है मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है इतनी तो इसलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ठीक है कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं एंड देन मैं आउट हो जाता हूँ लेकिन आपने लाजमी अपडेट करनी है ठीक है मैंने अभी 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 अपडेट किए हैं सो दैट्स वाई मैं इसे अपडेट नहीं कर पा कर सक रहा क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और अभी अगर मैंने इसे अपडेट करना स्टार्ट कर दिया तो यू नो वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी ओके तो मैं इसे क्लियर करता हूँ आप लाजमी इसे अपडेट कीजिएगा इसके विदाउट आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल ना खींचेगा ठीक है एक दफ़ा मैं इसे पूरे सेशंस को जो है ना एग्जिट कर देता हूँ सो ये आ गए हम अपने टर्मिनल में यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है पी के जी इंस्टॉल टॉर ठीक है टॉर एक ब्राउज़र होता है अगर आपने डार्क वेब से कनेक्ट करना है और अगर आपने साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान से बचना है और अगर आपने डिफरेंट साइबर क्राइम से बचना है ठीक है तो आप अपने अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करवाना चाहते तो आप कुछ टूल्स की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस टूल के विदाउट आप एनोनिमस नहीं रह सकते ठीक है एक ब्राउज़र होता है इसे ऑन करके आप न्यू टैब पे जाके अपना प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं और ये पीछे आपकी जो आइडेंटिटी होती है जो लोकेशन होती है उसे हाइड करके रखते हैं आपको एनोनिमस कर देता है ठीक है आपका कोई आई ट्रेस नहीं कर सकता आपकी कोई लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकता आपको कोई आई ट्रेस नहीं कर सकता ठीक है आपका कोई टर्मिनल का पोर्ट नंबर ट्रेस नहीं कर सकता ओके सो ये पैकेज इंस्टॉल टॉर टी ओ आर ठीक है ये आपने टॉर इंस्टॉल करना है अब मैं इसे एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ ठीक है ये मैंने इसे क्लियर कर दिया एंड देन आप इंटर करें और अब यहाँ पे आपने सिंपली रन करना है टॉर टी ओ आर एंड देन आप एंटर करेंगे तो ये हमारा टॉर ब्राउज़र जो है वो ऑन हो जाएगा ठीक है अब इसे यूज़ कैसे कर करना है ठीक है ये देखें ये साथ साथ बूट स्टैप कब बता रहा है और बता रहा है कि कितने परसेंट हम कनेक्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ये कनेक्ट कर रहे हैं और आपकी प्राइवेसी को मेनटेन कर रहे हैं ओके okay? सो so, ये यहाँ पर आपने इसे टॉर ब्राउजर को ऑन करके एंड यहाँ पर आपने इसे राइट स्वैप करना है जस्ट अ सेकेंड ओके इसे ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने न्यू सेशन ऐड करना है ठीक है न्यू सेशन आप ऐड करेंगे और यहाँ पे आके आप अपना जो भी प्रोजेक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप स्टार्ट कर दें बैक एंड आपका टॉर ब्राउज़र चलता रहेगा ठीक है और वो टॉर ब्राउज़र ऑन रहेगा तो आपकी लोकेशन कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता आपकी आई कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता किसी को ये नहीं पता कि कौन बंदा वर्क कर रहा है ठीक है बेशक मैं कह रहा हूँ हैवी से हैवी सिंगल बंदा आ जाए तो आपको ट्रैप नहीं कर सकता अगर पूरा ग्रुप मिले ठीक है फाइंडिंग में लगे तो फिर भी उन्हें फाइव सिक्स डेज लग जाएंगे ढूंढते ढूंढते इतने में आप पता नहीं कहाँ से कहाँ यू नो बंदा और सौ प्राइवेसीज लगा लेता है सो डोंट वरी अब यहाँ पे आप आगे न्यू सेशन पे आप आके अपना काम स्टार्ट कर देंगे ठीक है बिलफर्ज़ मैंने यहाँ पे कुछ भी करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे एलएस कर लेता हूँ एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पे ऑन करूँगा सी डी फोन एंड फोजा ठीक है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसे एल कर लेता हूँ ये तो अपनी रिक्वायरमेंट्स मांगना शुरू कर देगा सॉरी मैं इसे क्लियर करता हूँ सी डॉट डॉट एंड देन क्लियर ओके तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप आके कोई भी प्रोजेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं बैक द हैंड आपको ये टॉर ब्राउज़र लाजमी ऑन रखना है ठीक है तो इन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम आपको बताएँगे कि नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करते हैं ठीक है थ्रू फ़ोन के नेटवर्क स्कैनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि विदाउट नेटवर्क स्कैनिंग आपको बग्स का नहीं पता चलता और बग्स का पता नहीं चलता तो आप उसकी एक्सेस गेन नहीं कर सकते ओके okay? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक दीजिए मुझे इजाज़त हाफिज़